हाई फ्रेंड्स वेलकम टू दुबई लाइफ इट्स बीन अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम मैंने कई दिनों से कोई भी व्लॉग जो है पोस्ट नहीं किया था एंड दिस इज़ द राइट टाइम नाउ और ये पूरा वीक जो है मैं आपको दुबई के व्लाग्स नहीं पोस्ट करने वाली हूँ आगे भी मैं जॉर्जिया के uh, व्लाग पोस्ट करूँगी बिकॉज आई हैव बीन ऑन अ वेकेशन टू दिस कंट्री मैं आपको बैकग्राउंड दे देती हूँ कि ये कंट्री जॉर्जिया जो है एशिया और यूरोप के बीच में एक स्मॉल कंट्री है जो कि वाइन फूड अपनी हॉस्पिटैलिटी और कई चर्चेस माउंटेंस कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है सो आई एम गोना गो देयर और मैं ये उसकी कैपिटल जो है तिबलिसी वहाँ हम जा रहे हैं पहले सो इट्स अ वन वीक ट्रिप तो डे वन आज शुरू हो चुका है और हर दिन मैं आपको एक व्लॉग जॉर्जिया के बारे में पोस्ट करूँगी हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं कहाँ कुछ क्या खा रहे हैं आ, क्या कुछ हाइलाइट्स uh, हैं सिटीज़ के वो सब मैं आपको बताती रहूँगी uh, सबसे पहले अभी आज के ब्लॉग में जो है अभी हम फ्लाइट में हैं और बोट कर चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू दिस ब्यूटीफुल सिटी तिब्लिसी जो कि कैपिटल है जॉर्जिया की Uh, यहाँ पर कई सारी चीज़ें हैं घूमने लायक यहाँ की स्ट्रीट्स ओल्ड टाउन चर्चेज देन यू हैव अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेन फनी कुलर जो कि आपके माउंटेंस पे ले जाती है और वहाँ पर एक पार्क बना हुआ है सो आई एम लुकिंग फॉर्वर्ड टू ऑल ऑफ दोज थिंग्स और उससे पहले अभी फ़िलहाल जो फ्लाइट में हैं तो रिफ्रेशमेंट सर्व हो रहे हैं एंड आई एम अ वेजिटेरियन सो आई हैव ऑर्डर फ्रूट सेलेड फॉर माई सेल्फ एंड पिज़्ज़ा रोल विच लुक्स वेरी यमी एंड यहाँ से बाहर जब मैं देख रही हूँ तो बस यू नो आई कॉन्ट वेट टू सी दिस वंडरफुल ब्यूटिफुल प्लेस और uh, साढ़े तीन घंटे का सफ़र है ये साढ़े तीन घंटे की फ़्लाइट है इट्स नॉट वेरी लॉन्ग ऑल्सो तभी uh, जब भी दुबई से वेकेशन या घूमने uh, की बात होती है तो पीपल प्रिफर जॉर्जिया इज़ लाइक वन ऑफ द डेस्टिनेशन जो कि लोग Uh, यहाँ जाना चाहते हैं क्योंकि अफोर्डेबल भी है नज़दीक भी है एंड अ वेरी स्मॉल नाइस कंट्री वे वन कैन गो एंड एन्जॉय तिब्लिस एयरपोर्ट पर जो है बस लैंड हुए हैं अब नाउ वी आर गो ना कलेक्ट आवर बैगेज और सामान हम कलेक्ट करेंगे अभी शाम का समय है यहाँ साढ़े सात आठ बजे हैं बहुत ज़्यादा गर्मी बहुत ठंड नहीं है तेईस तक मैक्सिमम टेम्परेचर यहाँ पर अभी फ़िलहाल आज आजकल जाता है तेईस से पच्चीस तक इससे ज़्यादा यहाँ ठंड नहीं है Uh, तो मौसम बिल्कुल परफेक्ट है घूमने लायक है एयरपोर्ट पर सामान लेकर जैसे ही हम बाहर की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पर एक फ्री सिम का काउंटर है यहाँ से आप एक सिम ले सकते हैं और चेंज कर सकते हैं एंड यू कैन यूज़ दिस ड्यूरिंग योर स्टे इन द कंट्री एंड यहाँ पर टैक्सी का भी काउंटर है एक्सचेंजेस भी हैं तो यहाँ से आप टैक्सी भी बुक कर सकते हैं अपना मनी एक्सचेंज भी करवा सकते हैं ईजीली uh, हर दिन आपको Uh, वहाँ की फ़ेमस फ़ेमस जगहों पर ले चलूँगी घुमाऊँगी एंड uh, दिखाऊंगी कि जॉर्जिया में क्या कुछ फ़ेमस है वैसे एक बैकग्राउंड में आपको छोटा सा दे देती हूँ कि जॉर्जिया इज़ फेमस फ़ॉर फ्यू थिंग्स लाइक व्हेन इट कम्स टू फूड जॉर्जिया इज़ फेमस फ़ॉर कचाई पूरी कचाई पूरी इज़ अ ब्रेड जो कि जिसमें चीज़ फिल्ड uh, होता है एंड देन चर्च कला एक स्वीट होती है उनकी फ्रूट जूस से बनती है वो उसके लिए जॉर्जिया बहुत फेमस है एंड माउंटेंस चर्चेज स्ट्रीट्स डेफिनेटली यहाँ पर पीचिंग बहुत होती है पीचिस की फार्मिंग बहुत होती है पोटेटोज बहुत होते हैं एंड पीनट्स वाइन कई सारी बड़ी बड़ी वाइनरीज हैं यहाँ पर एंड नेचर इज़ इन अबेंडेंस हेयर सो टाइटन फास्ट इन योर सीट पैल्स नाउ और बस शुरू हो जाइए मेरे साथ इस सफ़र पर एक हफ़्ते का ये सफ़र होगा एंड आई प्रोमिस कौना बी वेरी 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 एंटरटेनिंग रॉकिंग एंड यू नो जितना हो सकेगा मैं आपको जॉर्जिया अपने तरीके से घुमाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगी तब तक के लिए चलिए बाय बाय टेक केयर कीप वॉचिंग दुबई लाइफ बाय बाय